मैं हवा की रुख को बदल नहीं सकता, मगर मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं मेरे तराहों को दिशा दे सकता। ये मोटिवेशनल कोट है जिसे हमें अंग्रेजी में बनाना है, और किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए हमारे रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड का कैसे यूज किया जा सकता है यह भी हमें पढ़ना है। रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है, फिर उस सेंटेंस के लास्ट में एंड में जाकर धीरे धीरे हमें पीछे आना होता है। देखिए पहला सेंटेंस है, मैं हवा की रुख को बदल नहीं सकता। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा आई, और हिंदी सेंटेंस के लास्ट में नहीं सकता आएगा जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। तो उसे अंग्रेजी में बनाने के लिए कांट यानी कैन नॉट का यूज किया जाता है। देखिए आई कैन नॉट बदलने के लिए आएगा चेंज, आई कैन नॉट चेंज इस रुख के लिए आएगा द डायरेक्शन, इस की के लिए आएगा ऑफ, और हवा के लिए आएगा द वाइंड। देखिए आई कांट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड, देखिए I can't change the direction of the wind. I can't change the direction of the wind. मगर but मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं मेरे तरफों को दिशा दे सकता हूं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा can I, मैं के लिए आएगा I, और सकता हूँ आएगा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, दिशा दे सकता हूँ, जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, खा सकता हूँ। तो उस वाक्य को अंग्रेजी में करने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। आई सकता हूँ के लिए कैन, आई कैन दिशा देने के लिए आएगा आई कैन एडजस्ट, आई कैन एडजस्ट मेरे तरफ माई सेल्स, देखिए आई कैन एडजस्ट माई सेल्स, I can adjust myself. इस के लिए आएगा to, पहुंचने के लिए आएगा reach, मेरा लक्ष्य के लिए आएगा my destination. देखिए I can adjust myself to reach my destination. I can adjust myself to reach my destination. I can adjust myself to reach my destination. देखिए I can't change the direction of the wind. I can't change the direction of the wind. But I can adjust myself to reach my destination. I can't change the direction of the wind. But I can adjust myself to reach my destination. I can't change the direction of the wind. But I can adjust myself to reach my destination. I can't change the direction of the wind. But I can adjust myself to reach my destination. मैं हवा की रुख को बदल नहीं सकता, मगर मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं मेरे तरफों को एडजस्ट कर सकता हूं, दिशा दे सकता हूं। एक कोट हमने अंग्रेजी में बनाया है अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड का यूज करके, और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान पूरी दुनिया को खुलेआम चैलेंज करे। मेरे देश के नौजवान इतने स्किल्ड हो, इतने कॉन्फिडेंट हो, इतने कुशल हो, इतने प्रभावशाली हो कि पूरी दुनिया के पूरे देश उनसे प्रभावित होने चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम सब, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति इतनी कॉन्फिडेंट से, इतनी लयबद्धता से, इतनी कुशलता पूर्वक अंग्रेजी बोल सके कि पूरी दुनिया के पूरे देश उनके विचार, उनके कल्पना, उनके नए प्लान्स सुनने के लिए बेताब होनी चाहिए, और इसकी हम कोशिश करते हैं। मेरे देश के नौजवानों को अंग्रेजी बोलने में कॉन्फिडेंट बढ़ाकर दुनिया जीतने के लिए हमारे इस चैनल के जरिए हम कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पर है जो आपको अंग्रेजी बोलने में कॉन्फिडेंट बना देंगे, और आपके दिल और दिमाग में एक नई ताजगी पैदा करेंगे, एक नया जोश पैदा करेंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पर है। हमारे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप ये सभी वीडियोस देख सकते हैं, और इसके आगे भी हम इससे भी बढ़िया वीडियोस बनाते रहेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियोस भी मिलते रहेंगे।
व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये जो सभी जरिए आपके पास हैं, इन सभी जरियों का इस्तेमाल कीजिए और आपके दोस्तों में इन वीडियोस को शेयर करें, उनको ये वीडियोस आप पहुंचाएं और उन्हें सजेस्ट करें कि वीडियोस वे देखें। हमारे देश के हर गांव, हर शहर, हर स्कूल, हर प्राध्यापक, हर शिक्षक तक इन वीडियोस को पहुंचाने में आप हमारी सहायता करें। आप सभी से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप जल्द से जल्द हमारे देश के हर गांव, हर स्कूल तक इन वीडियोस को पहुंचाने में आप हमारी सहायता करें और इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।